हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झण जी चैनल से 5 के नाचे अय्या, पवन सिंह, शिल्पी राज, अक्षरा सिंह, झण जी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या कर रही हो मैडम? अरे थोड़ा सा बच गया, नहीं तो भूकंप आ ही जाता। तीसरा विश्व युद्ध करवा के ही मानोगी। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से कोरोना जा नहीं रहा है। हाँ फिर औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। आरा छपरा क्या है रे? अरे अब तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया मैडम? पब्लिक है, बुड़बक मत बनाओ। कोई सेंसेस बात की? अरे मुर्गिया आरा के होके या छपरा के होके में बुड़बक बनाने वाली का बात है मैडम? आप लोगों में से कितने लोग बुड़बक बने हो भाई ये गाना सुन के? बुड़बक का पता नहीं, लेकिन खेसारी लाल और प्रमोद प्रेमी में बवाल तो जरूर हुआ है। ये तो है। देख लाला मौसा बतावा का हाल है? बवाल है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह को। सर साथ नहीं लाए हैं, अलग अलग लाए हैं। बहुत दिन हो गया इनका बजे हुए, तो हम सोचे एक बार बजा ही देते हैं। ऐ भाई, ये तो पहाड़े उठा लिया। लगता है खांची में गोबर उठा के खेत में फेंकने का एक्सपीरियंस तगड़ा है। नहीं, मैं भी ऐसे ही गोबर उठा के खेत में फेंकने जाता था। तू मूर्ख था, इसीलिए गोबर खांची में बोझ के खेत में फेंकने जाता था। मैं तो डायरेक्ट भैंस खोल के ले जाके खेत में ही यगवा देता था, फेंकने का झंझट ही खत्म। हाँ, मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ सिर्फ नाचे वाले इनवाइटेड थे, बाकी लोग तो ऐसे ही मुंह उठा के पहुँच गए थे। नहीं नहीं, चौकी हुमाचे वाले भी इनवाइटेड थे। अरे नाचे वाले हुमाचे वाले तक तो ठीक है, बट हमारे जैसे हुमाच के खाने वालों का क्या? अरे तो घर से खा के जाओ भूखड़ कहीं के। अरे ओ, थोड़ा सा बच गया, वरना बंदा आया तो था अपने सिग्नेचर वाले स्टेप में। वैसे आजकल पवन सिंह अपने गाने में थोड़ा बहुत तो डांस वांस तो कर ही रहे हैं, वरना पहले हर गाने में सेम स्टाइल, हाथ में चुटपुटिया बंदूक लेके बिना मतलब का स्वैग मारते फिरते थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये गांधी जी के तीन बंदे, तीनों के तीन युग वाले एक्सप्रेशन, इसे देखकर लगता है कि बंदे को कोई जबरदस्ती नचवा रहा है, और ये इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि बेचारे की रात की अभी उतरी नहीं है। दुनिया का सबसे दुखी इंसान, मगर ये इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने मेरी लेटेस्ट वाली कोई वीडियो देख ली। देखो कैसे दांची आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं स्क्रीन शॉट ही गलत टाइम पर लिया हूँ तो यहाँ देख लो, सेम एक्सप्रेशन। मुंह बंद कर ले भाई, वरना मक्खी लात मारेगी, दांत टूट जाएगा। देवता? लेकिन वो तो तुम्हें पता नहीं कौन सी साली बोलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे एक दूसरे का माये बहन करते रहोगे कि भोजपुरी को बढ़ाओगे? अरे मैडम, आपका तो बातें समझ में नहीं आता है। पहले बता दिया करो कि किस मैटर पे बोलने वाली हो। भोजपुरी को बड़ा करोगे, वाह। अरे भोजपुरी के आपके एल्बम इंडस्ट्री की अश्लीलता है कि फोड़ कम मचा के बढ़ा दोगे? कुछ भी। भोजपुरी एक भाषा है और वो ना तुम लोगों से शुरू होता है और ना ही किसी पर खत्म होता है। ठीक है, तो बात अपने इंडस्ट्री की किया करो, भोजपुरी की नहीं। भोजपुरी अथाह है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है भोजपुरी। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। कार्य बहुचट और कोनो जिलवा जिला ना हा। ले। कोई सेंसेस बात की? अरे मैडम कहना क्या चाहती क्या हो? कभी भोजपुरी को बढ़ाओगे तो कभी और कोनो जिला जिला ना हा।
भांग वांग खा के आई हो का? वो 31 दिसंबर की रात वाली अभी उतरी नहीं है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। नहीं, इनका गाना 2022 में ही तैयार हो गया था और खेसारी लाल का गाना धमाका होई आरा में और प्रमोद प्रेमी का गाना मुर्गिया 2 को टारगेट करके बनाया गया था। बट तभी अचानक से याद आया कि 5 तारीख को पवन सिंह का बर्थडे भी है। तो पवन सिंह का बर्थडे है तो जरूर पवन सिंह का कौनो न कौनो गाना आइबा करेगा और सेम उसी दिन अपना गाना भी रिलीज करके पवन सिंह के गाने की मैया पोत देंगे। बट अफसोस, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। मुर्गी त मुर्गी बटेरो ना भेटाई आ कतही के मुर्गा पटने कटाई। समझ में आया कुछ? मुझको भी नहीं समझ में आया। शट अप मैडम, ये कुछ समझ से परे है। जिसने भी ये गाना लिखा है ना, पूछो उससे कै पौवा मार के लिखा था। गजब का गाना है यार, इसे तो समझने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। अल्लाह, अब समझ में आया पूरा गाना। मतलब मैडम मुर्गी की तुलना अपने आप से कर रही है। वाह, वैसे भी उड़ती तीर लेने का बहुत पुराना आदत है मैडम का। अरे मैडम, उस गाने में सच में मुर्गी की ही बात हो रही थी, आपकी नहीं। और खेसारी लाल यादव के हाथ में देखो, उन्होंने मुर्गी भी पकड़ रखी है। काहे अपने आप को मुर्गी साबित करने पे तुली हुई हो मैडम? इनको तो लोग भोजपुरी की शेरनी कहते हैं और ये मुर्गी बनने पर तुली हैं। कौन शेरनी कहता है? देखा है मैंने इनके फेसबुक पोस्ट के कमेंट में। देखो, जो भी ऐसा कहता है ना, उसके साथ सहानुभूति रखो और उसको यकीन दिलाओ कि जो कुछ भी उसके साथ घटना घट रही है, ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी है। सिर्फ चश्मे का नंबर ठीक कराने से ये बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है? उसको यकीन दिलाओ। आर यू कॉमेडी भैया, हम तो जिसको देखते हैं सोचते हैं सामने कॉकरोच आ जाए तो उछड़ के 1.5 किलोमीटर भागेंगी। शेरनी हट। ले भाई, ये तो हमको भी नहीं पता था कि हमारे घर में भी मुर्गी है। नहीं मतलब किसी ने मुर्गी के ऊपर गाना गा दिया तो ये अपने आप को मुर्गी समझ बैठी। चिंता तो इस बात की है कि कहीं कोई भैंस के ऊपर न गाना गाए, वरना ये अपने आप को नहीं, रिस्क तो है भाई। सुनो, भोजपुरी को मां मत कहना, खाली मुर्गा मुर्गी ही बोलो। ले एक और सगुफा, मुर्गी वाला गाना गा दिए तो भोजपुरी को मां मत बोलना, मुर्गी मुर्गा बोलो। तो तुम अभी का कर रही हो मैडम? तुम भी तो मुर्गा मुर्गी खेल रही हो। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता काहे चिन्ह बतारा पन्ना पंजासा। ले भाई, जात भी आ गया। अक्षरा सिंह एक ही गाने में कितना कचरा पेश करेंगी। अगर गाना समझ में ना आए तो भावनाओं को समझो। हक दिया। हाँ, पूरे गाने में ये एकलौता बात सही बोली है। धरती, पवन सिंह को फोन करो और बोलो अक्षरा सिंह मिलजुल कर मस्ती करना चाहती हैं। अरे क्या हो गया मैडम, आप ही तो बोली हो कि मिलजुल के मस्ती करो। यार बस आज के इतना ही। YouTube का नया अपडेट आया है, ध्यान से सुन लो। उसमें कहा गया है कि जो आदमी वीडियो देखकर लाइक नहीं करता है उसके ऊपर धारा 4444 लगेगा। इसमें सजा के तौर पर पूरे जनवरी भर उसे दिन में 3 बार नहलाया जाएगा। सोच लो भाई, एक बटन दबाना है या दिन में 3 बार नहाना है पूरी जनवरी भर, आपके ऊपर। अच्छा बात। ओह माय गॉड। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो
तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और संभावनाएं यही कह रही हैं कि सब्सक्राइब नहीं करने पर वो धारा आप पर भी लागू हो सकता है। बाकी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात बात करनी है तो आप मैसेज करो, जवाब वहीं पे मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। और यार क्या है, अच्छा मतलब मैं ये सोच रही हूँ भाई, दोनों गानों में, पांच के अई हा गानों में और वो मुर्गी वाले गाने में, ठीक है खेसारी लाल वाले गाने में, दोनों में कहीं भी अक्षरा सिंह का इतना सा हिंट भी नहीं दिया गया है, ना ही भोजपुरी को कोई इंसल्ट किया गया है, कुछ नहीं किया गया, ठीक है। बल्कि मैंने तो मुर्गियों को ऐसे ऐसे जो पकड़ के हिला रहे थे खेसारी भैया, ठीक है उस पर भी यही बोला था कि भैया पीटा वालों का थोड़ा सा डर बना रखो, है ना। बाकी अक्षरा सिंह का कहाँ पे उसमें जिक्र था, या फिर कहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मुर्गी के थ्रू किसी लड़की को टारगेट किया जा रहा है, ये क्यों इनके दिमाग में फितूर आ गया है, मतलब चलो छोड़ो भैया क्या ही बोले अभी, है ना। क्योंकि देखो जो इंसान जो सोचता है ना, जो एक चीज़ दिमाग में बैठा लेता है, मान लो अगर कोई चीज़ है, ठीक कोई इंसान रास्ते पे जा रहा है, ठीक आपको उसका चलना पसंद नहीं है कि वो किस तरीके से चल रहा है, अगर आपको उसको गलत समझना है, ठीक तो आप उसको गलत ही समझोगे, हैं नहीं इसने ये वाला पैर आगे रखा है तो ये वाला पैर आगे रखना चाहिए था, मतलब अगर गलत समझना है तो उसके लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए, ठीक अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि ये चीज़ गलत है तो है, है ना। तो ये चीज़ होता है भैया, बेवकूफ़ कहीं बनाए नहीं जाते हैं, वो बन जाते हैं लोग। सो बहुत ही ज़्यादा मस्त वीडियो थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।